सबसे पहले आपके पास आते हुए जयवीर शेरगिल साहब, क्योंकि आज बात कांग्रेस पार्टी की है, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर अपने आप को, अपने नारे को सही साबित करना आज एक ऐसे मकाम पर राहुल गांधी को ले आया है कि उनको बाकायदा एफिडेविट में यह कहना पड़ा कि आपके हवाले से, यानी आपके कंधे पर बंदूक रखकर जो मैंने गोली मारी थी वो गलत था। एम्बैरेसिंग मोमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, आपके अध्यक्ष के लिए। जयवीर जी, जी बिल्कुल नहीं। इतिहास गवाह है कि कोर्ट के निर्णय से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले निर्णय दे देना उस सुनवाई की तौहीन है और जनता को गुमराह और भरगलाने के बराबर है। अभी तक राहुल जी का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे नहीं आया, तो क्या उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग किया या नहीं किया, इसका निर्णय कल होगा, वो निर्णय आज नहीं हो सकता। आज ही आपके चैनल ने 5:10 पे खबर चलाई, परसों भाजपा ने एक पीसी की कि राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है, डिग्री जाली है और कानून का तमाचा पड़ा। अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा नहीं। तो जब तक सत्य बाहर नहीं आ जा सकता, हमें उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, लेकिन ये एफिडेविट उन्हीं का है ना? ये है कि चौकीदार चोर है कि नहीं। जी, कल भी अगर सुप्रीम कोर्ट श्री राहुल गांधी को पूछेंगे, आप चूंकि हमारे साथ बैठे हैं, बस मैं एक चीज आपसे कंफर्म करना चाह रही हूं। हम भी नहीं चाहते कि आज तक जैसे क्रेडिबल चैनल पर गलत खबर चले, तो एफिडेविट मैं इसीलिए लेके आई थी और इसीलिए मैं आपके सामने पढ़ती हूं एग्जैक्ट स्टेटमेंट एफिडेविट में, जहां वो लिख रहे हैं द सेड स्टेटमेंट्स वर मेड बाय आंसरिंग रिस्पोंडेंट इन हिंदी इन रेटोरिकल फ्लरिश इन द हीट ऑफ द मोमेंट। ये राहुल गांधी ने क्या खुद नहीं लिखा है कि चुनाव की गर्मी के बीच जुमले वाले अंदाज में मेरे मुंह से ये निकला? आप कंफर्म कर दें और गलत है तो बता दें। देखिए, मैं एक वकील होने के नाते, और अब भूल जाइए मैं कांग्रेस का हूं, कोई भी एफिडेविट जो कोर्ट की निगरानी अधीन मामले में है उस पर सुनवाई से टिप्पणी करना एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो मैं एक राजनीतिक और वकील होने के नाते नहीं करूंगा। किसी और को करना है वो जरूर कीजिए, मैं बयान दे दूंगा कि एफिडेविट में क्या है क्या क्या नहीं है। अब मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हम कल हमारा स्टैंड क्या है इस एफिडेविट को लेकर और इस पूरे विषय पे। स्टैंड यही है, राहुल गांधी जी अटल खड़े हैं कि रफेल में घोटाले का खेल हुआ है और चौकीदार ही चोर है। राहुल गांधी जी अटल खड़े हैं कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दस्तावेज छुपाए, सुप्रीम कोर्ट से सत्य छुपाया और तभी रिव्यू पिटीशन चल रही है। राहुल गांधी जी कल सुप्रीम कोर्ट में यह भी बोलेंगे कि भाजपा ने गुमराह किया है। और अंजना जी, आपके चैनल पे मैं रिपोर्ट लेके आया हूं, 17 दिसंबर 2018 को भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के नाम का दुरुपयोग करके कहा कि हमें क्लीन चिट दे दी गई है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। तो जो भाजपा झूठों की फौज जुमलों पे मौज कर रही है, उसे जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम साबित करके रहेंगे चौकीदार चोर है और रफेल मामले में घोटाला हुआ है। साहब, आप लोग जो खुशी मना रहे हैं उसमें दो फैक्ट्स तो क्लियर होनी चाहिए। एक तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने नाम लिया वो गलत है, दूसरा वो कह रहे हैं कि अभी भी मैं अपने स्टैंड पर पॉलिटिकली कायम हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वो कह रहे हैं कि बीजेपी अगर कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो ये भी गलत है। अब देखिए, पूरे खानदान को इस प्रकार चोरी करना, झूठ झूठ बोलना इनकी आदत और परंपरा रही है, तो इसलिए हम इस लफबाजी के अलावा कांग्रेस पार्टी से और उनके प्रवक्ताओं से ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन जनता लफबाजी के आधार पर कोई निर्णय पर नहीं पहुंचती है, जनता सबूतों के आधार पर और संस्था की उनकी विश्वसनीयता के आधार पर कहती है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिमा फैसे उनको समझ आ चुका था, सुप्रीम कोर्ट को लगा इसमें कोई कानून का केस बन सकता है, कंटेम्प्ट का, अवमानना का नोटिस जारी किया है। और आज जो मीडिया के माध्यम से एफिडेविट जो निकला है, जो आप पढ़कर सुना रहे हैं, जो मेरे मीडिया के कुछ ट्विटर हैंडल्स में मिला है, मैं इसके आधार पर, उन्होंने खुद साफ तौर पर कहा मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। तो मतलब राहुल गांधी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का झूठा होने का अपने आप सर्टिफिकेट दे करके बचने की सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने एक याचिका दायर की,
और पूरे कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं, कांग्रेस के सभी काडर के लिए इससे ज्यादा शर्म, उनको शर्म से अपने सर झुकाने का मतलब अवसर कभी फिर मैं जिंदगी नहीं आया होगा। पूरे कांग्रेस पार्टी झूठे झूठे नाम पर जी जयवीर जी दो बातें अंजना जी, हिंदी की एक पुरानी कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। जीवीएल जी का मैं सम्मान करता हूं, इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है कंटेंप्ट पे, इस बात का सबूत है कि कंटेंप्ट हुआ है या कुछ गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिव्यू पिटीशन पे भी नोटिस किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट पे भी नोटिस किया है जहां इन्होंने कह दिया था सीएजी ने रिपोर्ट दे दी पार्लियामेंट को, भाजपा को मुंह छुपाना पड़ा, एफिडेविट फाइल करना पड़ा, गलती हो गई हमसे, हम सुप्रीम कोर्ट को गुमराह नहीं करना चाहते थे। राहुल गांधी जी की तो सुनवाई अभी कल होनी है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय चौकीदार चोर है या नहीं है अभी आना बाकी है। दूसरा, जीवीएल जी हाथ जोड़ के मैं व्यक्तिगत बयान नहीं करना चाहता, आप वही प्रवक्ता है जो कल तक कहते थे राहुल गांधी ब्रिटेन के सिटीजन हैं, राहुल गांधी की डिग्री जाली है, और आज कानून का तमाचा आपके मुंह पे पड़ा है कि झूठी बातें हैं और उनका नॉमिनेशन बिल्कुल वैलिड है, तो कल दूसरा झूठ आपका बेनकाब हो जाएगा। तीसरा, क्या ये सत्य नहीं है, राहुल गांधी के कंपनी ने कहा, सुनिए, क्या ये सत्य नहीं है, आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने कहा हमारे कागज चोरी हो गए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, 30,000 करोड़ की चोरी करें आप, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पे झूठ बोलें आप, हिंदू अखबार के कागज छुपाएं आप, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका आपकी, और गुमराह श्री राहुल गांधी कर रहे हैं। कल भी राहुल गांधी बोलेंगे चौकीदार चोर है, रफेल में जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी पे कंधे पे बंदूक रख के भाजपा रफेल की जांच से बच नहीं सकती और भ्रष्टाचार पे पर्दा नहीं डाल सकती, यही सत्य है। जनवरी 2019 अब 20 सेकंड दीजिए, मोदी जी ने इंटरव्यू देके सॉरी 2 सेकंड, 1 जनवरी 2019 को मोदी जी ने इंटरव्यू दिया, 16 अप्रैल 2019 को दिया कि रफेल में क्लीन चिट मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई बात नहीं कहा, अभी तो तय होगा कि चौकीदार चोर है, ये नहीं है राहुल गांधी के, ये उन्होंने गलत किया या सही किया उनके कंधे पे रख के रफेल की चोरी से मुंह नहीं छुपा पाएंगे। जीवीएल साहब, झूठे होने के झूठे साबित होने के बावजूद उसके बाद भी केवल कांग्रेस पार्टी ऐसे नाटक और नौटंकी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरोप लेकर के पिटीशन पीआईएल दायर किए गए पहले राउंड में उन्होंने उसको खारिज किया था। ये ऑफसेट की जो आरोप लगा रहे थे इसमें कोई तथ्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था। रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अभी कंसिडरेशन में है वो दूसरी बात है। जहां तक राहुल गांधी के एफिडेविट की बात है, मेरा अपील रहेगा, ये जो अभी टेलीविजन पर कह रहे हैं कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, मैं मीनाक्षी लेखी जी को मैं पर्सनली उनसे आग्रह करूंगा, ये सारे जो कांग्रेस प्रवक्ता का बयान को रिकॉर्ड पे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने के बाद कैसे ये बाहर झूठ बोल रहे हैं, कैसे ये दूसरी लाइन बाहर बोल रहे हैं, इसको लेकर आपत्ति जताने के लिए, कोर्ट में आपत्ति जताने के लिए हम आग्रह करेंगे पिटिशनर से। और दूसरी बात, क्यों फिर राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्या राहुल गांधी ये नहीं कह रहे हैं, यदि उन्होंने कहा नहीं है तो फिर आप ये इस प्रकार के खेद किस बात के लिए प्रकट कर रहे हैं।